नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बतलाएंगे जो 95-60 सोयाबीन था वो इस वक्त जो पहले की बुआई थी उसमें कितना घाटा है पानी गिरने से। तो आप देख सकते हैं ये 95-60 सोयाबीन इस खेत में उगे हुए हैं, कुछ फलियां काली हो गई हैं, कुछ हरी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो काली फलियां हो चुकी हैं उनमें भी मिस्टेक आ गई हैं जो कि दागी हो चुके हैं। अब मैं आपको सोयाबीन बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये दाने पूरे दागी हो गए हैं। तो जो काली फलियां हैं वो भी दागी हो रही है और जो हरी फलियां हैं वो उगने लग गई हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उगी हुई हैं, आप देख सकते हैं जो सारी फलियां हैं वो उग रही हैं, कम से कम 20% फलियां उग रही हैं जो बड़ी बड़ी हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोयाबीन फलियां में से बड़े बड़े हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो काली फलियां हैं उनमें भी नुकसान है, यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से नुकसान है। अगर अभी अधिक समय तक बरसात होती है तो जो 95-60 सोयाबीन है वो बेकार हो जाएंगे। तो किसान भाई आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये स्थिति है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे आने वाले समय में वो भी आपको कई वेराइटियाँ बता सकें। आप देख सकते हैं इस पौधे में, तो पूरे पौधे में आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक सारी फलियां उग चुकी है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा था कि जो इतनी बड़ी बड़ी सोयाबीन बड़बड़ हो जाएंगे फलियों में, लेकिन इस साल क्या पता क्या बात है, पहले कोहर पड़ी उसके बाद पानी गिरा उसके कारण ऐसा हाल हुआ। अगर आपके यहाँ भी सोयाबीन है तो क्या स्थिति है कमेंट में जरूर बतलाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।